बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बायोलॉजी क्लास फॉर ग्रेड 10 एंड आई एम हियर मिस ज़ेबुन साई योर बायोलॉजी टीचर। आई होप यू ऑल आर फाइन और यू आर डूइंग योर स्टडीज़ विद योर ग्रेट इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स, बिफोर ईद वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 12, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। और उसमें जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं लाइक हसन और ईमान, उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स में प्रॉब्लम था कि हम उन्हें कैसे प्रिपेयर करें, तो मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड्स का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है आपके साथ। और उसमें हम कर चुके हैं एड्रिनल ग्लैंड्स तक कि कैसे आपने टॉपिक्स की जो है हेडिंग्स बनानी है और कैसे उनको उस हेडिंग में आप कहाँ तक जो है वो राइट कर सकते हैं। यू कैन राइट द अकॉर्डिंग टू द हेडिंग। टुडे वी आर गोइंग टू द लर्न अबाउट नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज़ पैंक्रियाज। दो तरह के ग्लैंड हैं बॉडी में, एंडोक्राइन मीन डक्टलेस एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड जिनकी डक्ट्स होती हैं, यानी जो वो हार्मोन या एंजाइम सेक्रेट करते हैं वो थ्रू द डक्ट, उनके साथ एक आप कह सकते हैं नाली होती है या ट्यूब होती है जिसके थ्रू वो जिस ऑर्गन के साथ अटैच होते हैं उसमें वो अपने एंजाइम या हार्मोन जो हैं वो सेक्रेट करते हैं। तो जो पैंक्रियाज है, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पैंक्रियाज, इट्स लोकेशन, इट्स फंक्शंस, इट्स हार्मोन्स, इट्स एंजाइम के उनका क्या क्या फंक्शन है, वो क्या क्या सीक्रेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैंक्रियाज, मीनिंग उर्दू में इसे हम लबलबा कहते हैं, और ये एक लॉन्ग फ्लैट ग्लैंड है और इसकी लोकेशन स्टमक के साथ ये जुड़ा हुआ होता है, टक्ड इन टू, यानी उसके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है इन द अपर पोर्शन ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन के जो पेट वाला स्टमक के साथ जो पोर्शन है उसके साथ ये अटैच है। सो दिस इज़ अ लोकेशन मीनिंग। फर्स्ट दिस ऑर्गन जो है ये एक्ट बोथ एज अ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। मतलब एक्सोक्राइन का मतलब है कि इसके साथ डक्ट होती है, इसलिए इसे कुछ पोर्शन जो होता है पैंक्रियाज का, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम अटैच करता है, सॉरी सिक्रीट करता है थ्रू अ डक्ट। और जैसे क्योंकि ये स्टमक के साथ और अटैच है, स्टमक में ही जो है डाइजेशन होती है, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है थ्रू अ डक्ट, एक नाली के ज़रिए किसमें स्टमक के अंदर और या फिर उसमें से वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वो पोर्शन है जो एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड एक्ट करता है। और सेकंड कुछ पोर्शन जो है पैंक्रियास का दैट सर्व एज अ डक्टलेस, उसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और इस पोर्शन में क्या होता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड के सेल्स होते हैं, ठीक है, वो एक ग्रुप बना देते हैं जिन्हें आइलेट ऑफ लैंगरहेंस कहते हैं, और ये जो सिक्रेट करती हैं टू हार्मोन्स, ग्लूकागोन एंड इंसुलिन। और ग्लूकागोन का क्या फंक्शन है, ये लीवर पे अफेक्ट करती है जिसे हम जिगर कहते हैं, टू रिलीज ग्लूकोज इनटू द ब्लड। और इस तरह क्या होता है कि ग्लूकोज लेवल जो है ब्लड में वो राइज हो जाता है। ग्लूकागोन का क्या फंक्शन है, ये एक्ट कर, ये कौन सा पोर्शन कर रहा है, दैट इज़ डक्टलेस एंडोक्राइन, और ये आइलेट ऑफ लैंगरहेंस हैं। आइलेट ऑफ लैंगरहेंस क्या है, एक ग्रुप है एंडोक्राइन सेल्स का, और ये टू टाइप के हार्मोन जो है वो रिलीज़ करता है, ग्लूकागोन एंड इंसुलिन। और ग्लूकागोन किस पे अफेक्ट करता है, लीवर पे, कि वो क्या सिक्रीट करे, ग्लूकोज इनटू द ब्लड। इन दिस वे लेवल ऑफ ग्लूकोज इंक्रीजेज इन द ब्लड राइज होता है या कॉन्सेंट्रेशन आप कह सकते हैं। इंसुलिन क्या इफेक्ट करता है, टू टेक एक्सेस ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड एंड सो टू द ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन लेवल फॉल्स। अब क्या है कि इंसुलिन का क्या फंक्शन है कि जो ग्लूकोज बढ़ जाती है जो कि ग्लूकागोन की वजह से लीवर पे इफेक्ट होती है, और उसकी वजह से ब्लड में जब उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो इंसुलिन इन्फ्लुएंस करता है लीवर पे कि वो जो ज़्यादा ग्लूकोज है उसको ब्लड से ले ले ताकि ग्लूकोज का कंसंट्रेशन लेवल जो है वो मेंटेन रहे और कम हो जाए। और अगर एक ऐसा शख्स या एक ऐसा इंसान जिसमें जो वर्किंग जो है पैंक्रियाज जो है नॉर्मल रूटीन से इंसुलिन नहीं बना रहा,
अब अगर इंसुलिन प्रॉपर नहीं ब्लड में बन रही होगी बॉडी में, तो क्या होगा कि ग्लूकोज का जो लेवल है वो ब्लड में बढ़ता जाएगा, और इंसुलिन की एब्सेंस की वजह से, इंसुलिन का बेसिकली फंक्शन क्या है कि जो ज़्यादा अगर कंसंट्रेशन होगी ये ग्लूकोज की, इसे एब्जॉर्ब कर लेना, उसे कम कर देना, और अगर इंसुलिन ही नहीं बन रही तो क्या होगा कि ग्लूकोज का लेवल जो है वो कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और फिर हम उसे कहते हैं कि उस पर्सन को जो है, उस शख्स को डायबिटीज़ हो गई है, शुगर हो गई है, जिसे हम डायबिटीज़ मेलेटिस कहते हैं। इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा कि इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, क्योंकि उस जो डिजीज्ड पर्सन है, जो बीमार शख्स है जिसे शुगर हो गई है, अब उसके अंदर इंसुलिन नहीं बन रही जो उसका ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखे, तो इसलिए उसे फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी इंसुलिन प्रोवाइड की जाती है ताकि ग्लूकोज का लेवल जो है वो बैलेंस है। और जिस पर्सन को, जिस आदमी को या जिस भी शख्स को डायबिटीज़ होती है, एक तो उसका वेट लूज होता है, उसे टाइर्डनेस फील होती है, कमज़ोरी महसूस होती है, उसके मसल जो हैं वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। और ये जैसे हम अभी मैंने आपको बताया कि इसे कंट्रोल किया जा सकता है इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन से, कि उस इंसुलिन को जो लेवल रखा जाए, उसमें आप डिफरेंट वेज हैं, जिन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेना शुरू कर देते हैं, कुछ मेडिसिन से मेंटेन रखते हैं, कुछ अपनी डाइट को कंट्रोल करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन बाय द डॉक्टर, डॉक्टर की हदायत के मुताबिक जो है उनको जो है उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। पहले इंसुलिन जो है एनिमल से ली जाती थी इस पर्पस के लिए, लेकिन अब जो है ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस की जाती है थ्रू बैक्टीरिया, थ्रू अ प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब ये कि जीन क्या होगा इसमें, कैसे किया जाता है कि जो ह्यूमन है उसे ली जाती है डिज़ायर्ड जीन जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकती है, उसे वहाँ से आइसोलेट किया जाता है, आइसोलेट करने के बाद उसे इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है बैक्टीरिया में जाके, क्योंकि बैक्टीरिया जिसे मल्टीप्लाई होते हैं उसके साथ साथ वो इंसुलिन भी प्रोड्यूस करते हैं, और फिर जब लास्ट में इंसुलिन को वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, और जो है फिर वो मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है और पेशेंट को दी जाती है। इन दिस वे दिस इज़ ट्रीटेड। अब आपने के आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि टेबल्स को कभी इग्नोर ना करें, ये दोनों टेबल जो है ब्लड ग्लूकोज आफ्टर 8 to 10 hours फास्ट, और यानी फास्टिंग में बगैर कुछ खाए पिए जिसे हम कहते हैं निहार मुँह, उसमें ये कंसंट्रेशन गिवन है, ये वैल्यूज़ आपको याद पता होनी चाहिए, इट मे बी गिवन इन द MCQs, तो ये दोनों टेबल जो है इम्पॉर्टेंट है। लास्ट इज़ द गुनेट्स। गुनेट्स क्या हैं, ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उन्हें मिला के या कलेक्टिवली गुनेट्स कहते हैं। टेस्टिस और जो दिस इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर द ओवरीज, इनको गुनेट कहते हैं। ये सिर्फ गेमेट्स, स्पर्म और एग्स ही प्रोड्यूस नहीं करते, टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म, ओवरीज एग प्रोड्यूस करते हैं, और इन्हें हम गेमेट्स कहते हैं। तो इनका सिर्फ ये फंक्शन नहीं है कि ये एग्स और स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, ये हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं और इन्हें सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। टेस्टिस जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, इसकी वजह से वो वाले करेक्टर मेल्स में डिवेलप होते हैं, जिसकी वजह से हम मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि आवाज़ से, और इनके मेल की बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं उसकी वजह से ये मेल करेक्टर्स हैं, और दैट आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ हार्मोन सिक्रीटेड बाय टेस्टिस, एंड द हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन, की वजह से जो मर्दों की आवाज़ औरतों से मुख्तलिफ होती है, और इसी तरह उनके बॉडी हेयर्स जो हैं ये दैट आर डिवेलप्ड ड्यू टू द दिस हार्मोन्स। ओवरीज जो हैं वो टू हार्मोन सिक्रीट करती हैं, दैट इज़ एस्ट्रोजिन एंड प्रोजेस्टेरोन, और ये जो हैं फीमेल के जो सेकेंडरी कैरेक्टर हैं, जैसे कि डिवेलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स।
दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस टाइम. अल्लाह हाफिज़.